नमस्कार साथियों, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th में द लास्ट लेसन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो इसमें से मैंने केवल तीन क्वेश्चन पेपर लिए हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मेरे पास सीबीएसई बोर्ड का पेपर है और उसी में से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपका जो एनसीईआरटी बेस्ड है और जो आपका राजीव प्रकाशन का एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पेपर है, दोनों का मिक्सचर इसमें रहेगा। तो इससे केवल आपके लिए 15 क्वेश्चन आएंगे और जो डेली आपको 30 तारीख से पहले मिलते रहेंगे, तो और आप 7 अंक आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। रट्टा नहीं मारना है, केवल समझना है फ्रेंड्स। तो चलिए किस प्रकार से आप लिख सकते हैं दिखाता हूं मैं आपको। तो फ्रेंड्स देखिए, आप इस प्रकार से इनका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपको पहला पूछा है कि इन विच वे डिड एम हेमल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी फ्रेंच लैंग्वेज। यानी एम हेमल ने अपने आप को और दूसरे लोगों को फ्रेंच भाषा का जो अध्ययन करने के लिए किन लोगों की या नजरअंदाज करने के लिए किन लोगों को दोषी ठहराया। तो आने के काफी चांसेज हैं फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपके पास किसी के पास सीबीएसई बोर्ड का अगर पेपर है तो देख सकते हैं, कई बार पूछा गया है। तो आप आंसर लिखेंगे एम हेमल डिडंट स्कोल्ड फ्रेंच। एम हेमल ने फ्रेंच को नहीं डांट या फटकारा। ही सेड, उन्होंने कहा दैट ही मस्ट फील बैड इनफ, वैसे ही काफी बुरा महसूस कर रहा होगा। एक्चुअली, वास्तव में ही वॉज हाईली डिस्ट्रेस्ड, वह काफी परेशान था। एंड सैड, और दुखी भी था। दैट कि वेयर दे हैड कम आउट, कि अब वे कहाँ आ गए हैं। ही सैड, उन्होंने कहा दैट कि दे हैड ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद, हम लोगों के पास बहाना या आलोचना करने के लिए बहुत से कारण होते हैं। आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे इसमें लिखेंगे आप कि एन हेमल ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स। एम हेमल ने उनके माता पिताओं को दोषी ठहराया, बिकॉज क्योंकि दे वर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव देम लर्न, क्योंकि वे उन्हें पढ़ाने के लिए या सिखाने के लिए अत्यधिक अधिक उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर, प्रेफर्ड रहेगा, डी रहेगा फ्रेंड्स, दे प्रेफर्ड टू पुट देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स टू अर्न लिटिल बिट मोर मनी, क्योंकि वे उन्हें किसी फार्म पर या किसी मिल पर अधिक धन कमाने के लिए अधिक पसंद करते थे। एम हेमल ब्लेम्ड स्टूडेंट्स, एम हेमल ने छात्रों को भी दोषी ठहराया, बिकॉज क्योंकि दे यूज्ड टू डिले स्टडीज, क्योंकि वे भी अपने अध्ययन को डिले कर देते थे। आप चाहे तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आप थोड़ा सा और लिखेंगे। Saying that, यह कहते हुए they had plenty of time at the same time, he blamed himself also. वे ये कहते थे छात्र कि हमारे पास पर्याप्त समय और इसे हम कल सीख लेंगे, और ठीक उसी समय उन्होंने अपने आप को भी दोषी ठहराया। He used to give them holidays for his going for watering in his flowers and fishing in his way. And Hamel blamed everyone for the negligence of the study of French language. यानी उसी समय उन्होंने अपने आप को भी दोषी ठहराया, क्योंकि वे उन लोगों को अपने पौधों को पानी देने के लिए या फूलों को पानी देने के लिए, और जब वे अपने लिए मछली पकड़ने के लिए जाना चाहते थे तो वे उन लोगों को छुट्टी दिया करते थे, और इस तरह से उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को दोषी ठहराया। तो फ्रेंड्स, यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं सेकेंड। तो फ्रेंड्स देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इसमें मैं आपको 5 शॉट भी बताऊंगा, लेकिन उन्हें मैं डिटेल में ज्यादा नहीं लूंगा, केवल आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच टू स्कूल। यानी कि जब फ्रेंच विद्यालय पहुंचा तो क्लास के अंदर का दृश्य क्या था। तो आप आंसर लिखेंगे कि व्हेन फ्रेंच रीच टू स्कूल ही फाउंड एवरीथिंग सो स्टिल एज संडे मॉर्निंग। जब फ्रेंच विद्यालय पहुंचा तो उसने पाया कि प्रत्येक चीजें रविवार की सुबह की तरह बिल्कुल शांत थी। दो, भले ही या थ्रो से होकर द विंडो, खिड़कियों से ही सो हिज क्लासमेट्स, उसने अपने सहपाठियों को देखा। हु वर सिटिंग, जो बैठे हुए थे। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, अपने स्थानों पर। एंड एम हेमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विद द टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो एम हेमल थे वह अपने वहां के नीचे अपनी भयानक सिलोई की पटरी को लेकर इधर उधर टहल रहे थे। ही सॉ हिज टीचर, उसने अपने अध्यापक को देखा। एम हेमल बियरिंग हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, यानी कि एम हेमल अपना सुंदर सा ग्रीन कोट पहने हुए थे। ही सॉ द विलेज पीपल, और उसने गांव के लोगों को देखा। हु वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेज, और जो पीछे वाली बेंचों पर हम लोगों की तरह बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। इंक्लूडिंग, उनमें शामिल थे ओल्ड हाउजर, बूढ़े हाउजर, द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स।
सो एवरी थिंग एंड एवरी बॉडी वॉज स्टिल एंड साइलेंट दैट डे। तो यह दृश्य था, चैप्टर भरा होगा, कोई भी आसानी से आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देखिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड कि हाउ डिड एम हेमल लुक डिफरेंट ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, यानी जो एम हेमल थे लास्ट लेसन वाले दिन क्यों डिफरेंट यानी भिन्न दिखाई दे रहे थे। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि एम हेमल वॉज अ वेरी डेडिकेटेड फ्रेंच टीचर, यानी कि एम हेमल बहुत ही डेडिकेटेड समर्पित फ्रेंच अध्यापक थे। ही वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, और वह एक सतर्क या डिस्ट्रिक्ट कठोर नियमों वाले या अनुशासन वाले अध्यापक थे। तो फ्रेंड्स अगर आपसे कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल का भी पूछा जाए तब भी आपको यही लिखना है। ही केप्ट अ टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और वह अपनी बांह के नीचे हमेशा एक भयानक सी लोहे की पटरी को दबाए रखते थे। ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम लेसन वाले या अंतिम अध्याय वाले दिन, ही केम आउट वियरिंग अ फाइन ड्रेस, वह एक फाइन ड्रेस पहनकर आए हुए थे। दैट ही यूज टू वियर ऑन द स्पेशल ओकेजंस, जिन्हें वह केवल खास अवसरों पर ही पहना करते थे। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे दिया है ऑन द लास्ट डे अंतिम दिन ही एड्रेस्ड, उन्होंने एड्रेस किया, संबोधित किया एवरीबॉडी प्रत्येक व्यक्ति को प्रेजेंट इन द क्लास, जो क्लास में उपस्थित था। क्या कहा था, माय चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, यह फ्रेंच भाषा का अंतिम अध्याय है। ही वॉज लुकिंग वेरी सैड, वह बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे। ऑन द ऑर्डर, उस आदेश पर, विच केम फ्रॉम वर्लिन, जो वर्लिन से आया हुआ था। द ऑर्डर इंक्लूड अ बैन ऑन टीचिंग फ्रेंच, और जो ऑर्डर था उसमें यह लिखा था कि फ्रेंच टीचिंग के ऊपर इम्पोज ऑन एक बैन थोपा जाए। ऑन द लास्ट डे, अंतिम दिन, ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन डिटेल, और उन्होंने अंतिम अध्याय वाले दिन प्रत्येक चीजों को बहुत डिटेल में समझाया। विद अटमोस्ट डेडिकेशन, यानी कि जिसका कोई भी उस समर्पण का कहा नहीं जा सकता है। इट सीम्स एज इफ, यह प्रतीत हुआ मानो, ही वांटेड टू टीच, डबल टीच डबल हो गया है, तो टीच देम एवरीथिंग टू जस्ट वन स्ट्रोक, ऐसे पढ़ा रहे थे मानो वह प्रत्येक चीजों को एक ही झटके में उनके दिमाग में डाल देना चाहते हो। ही वॉज वेरी पोलाइट एंड इमोशन ऑन हिज लास्ट डे, और वे अपने अंतिम अध्याय वाले दिन बहुत ही इमोशन और विनम्र थे। तो फ्रेंड्स शॉर्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, आप चाहें तो इनका स्क्रीन शॉट ले लेना, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा शॉर्ट का, फ्रेंड्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप कलेक्शन किए हैं तो आप इन्हें लिख सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले लें। ये आपका दूसरा इम्पोर्टेंट शॉर्ट का रहा, और यह आपका तीसरा रहा, उसके बाद यह आपका चौथा रहा, उसके बाद आपका यह पांचवा रहा। तो फ्रेंड्स इन्हें आप तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये भी काफी मैंने महत्वपूर्ण लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर